ठीक है, मर्ज हो जाएगी ना। ठीक है, वापस करते हैं। तो जो कुछ मैंने अभी आपको बताया उस पर बेस्ड एनसीईआरटी 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, स्टार्ट करें। दो खाद पर रख लीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर सही है तो रीजन लिखना है। समझ में आया? फर्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। पहले सोच के बताएं, जो ये कह रहा है वो सही है क्या? ये बोल रहा है 10A की वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी होती है। अपन का आंसर है शिवम, यस और नो? सर नो। वेरी गुड। वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1, आंसर इज फॉल्स। कह रहा जस्टिफाई करो, बड़ा सिंपल है। एक राइट हैंड में ड्राइंग ले लो, पाइथागोरियन के पेट लगा दो, 3 बोलो 4 5, लेट अस से दिस एंगल थीटा, देन 10A विल बी इक्वल्स टू 4/3, दैट इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? और अच्छा लिख सकते हैं, अगर इतना अच्छा लंबा एक्सप्रेशन नहीं देना है, 10A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड इसी में लिख देते हैं परपेंडिकुलर मे बी ग्रेटर देन बेस। क्लियर? वही ऑलवेज का तो कोई सीन नहीं है, ऑलवेज का तो कोई सीन नहीं बनता। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? यस सर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वल्स टू 12/5, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सेट ए इक्वल्स टू 12/5 कह रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हमसे पूछ रहा है क्या किसी राइट एंगल ट्राइंगल में सेक ए की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए 12/5 हो सकती है कि नहीं हो सकती? अभी हाँ हो सकती है, कैसे पता चला? मैं बताता हूँ, देखो सेक ए क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉस का, कॉस क्या था, सेक ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यानी जब भी सेक ए लिखा जाएगा तो ऊपर वाली चीज बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाली छोटी। अरे हाँ है ना? यस सर। चेक करो यहाँ, ये बड़ा ये छोटा, करेक्ट है? यस सर। तो अपन बोलेंगे ट्रू, बिकॉज सेक ए या सेकेंड ऑफ एनी एंगल, यहाँ ही लिख लेते हैं, इज रेशो ऑफ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। बोलो क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अगला क्वेश्चन बनाए? यस सर। ओके, ये कह रहा है कॉस ए इज द एब्रीविएशन used for cosecant of angle A, cosecant of angle A। तो पढ़ रखा है, what is the abbreviation of sine of angle A? cos। what is the abbreviation for sine of angle A? cos। abbreviation मतलब छोटा छोटा रूप, जैसे दिव्यांशु का क्या बोलते हैं घर में, दिव्यांश है ना, जैसे शिवम का शिव, जैसे अभिषेक का अभी, जैसे करण का पप्पू, बदतमीज ऐसा नहीं बोलते। तो ये एब्रीवेशन थोड़ी हुआ, तो निक नेम हुआ। एब्रीवेशन होती है शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेशन होती है शॉर्ट फॉर्म, बड़े की जगह छोटा लिख देना। तो साइन ऑफ एंगल ए को लिखते हैं खाली साइन, तो कॉस सेकेंड ऑफ एंगल ए को लिखेंगे कॉस सेकेंड। ठीक है, वैसे ही बताओ क्या कॉस सेकेंड का कॉस सेकेंड, हाँ सॉरी, अरे तो कोसाइन था, सॉरी यार, कोसाइन ऑफ
एल्टा ए को लिखेंगे कॉस ए। तो ये क्या पूछ रहा था हमसे, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट, नहीं गलत है, क्या है गलत, दिस इज फॉल्स। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इज कोसेक ए। ए है, क्लियर है सर? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, इसी में 6 क्वेश्चन हो सकते हैं ना, अलग अलग टी रेशियोस का एब्रीविएशन पूछ देंगे। बोलो हाँ है ना? यस सर। बाहर कोई है क्या? कौन है? 11th वाले। ओके ठीक है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर योर गुड लक पार्टी एंड देयर फैमिली फेयरवेल पार्टी। हाउ इज द जोश? सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉट, गुड इवनिंग, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा इसका जवाब वो देगा जिससे मेरी प्रीवियस क्लासेस बड़े अच्छे से पढ़ी होगी, पढ़िए आपने पक्का? अरे आवाज तो दो ही आ रही, पढ़िए पिछले दो तीन से पढ़ रहे हो लगातार। यस सर। ट्रिगोनोमेट्री। यस सर। अगले पार्ट का आंसर आप दे सकते हैं। देखो ये बोल रहा है, जैसे 2x होता है 2x, वैसे ही ये हमसे पूछ रहा है कि क्या cot a is the product of cot into a? False. Yes sir. What is the reason? Sir, cot cannot be independent. Cot cannot be independent. Is not independent quantity. और अच्छे से सही बताओ ना क्या है? It is abbreviation of cotangent of angle. ये सही आंसर, ये तो abbreviation है। बोल रहा है ना? Yes sir। पक्का? Yes sir। चलो चलिए।